फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पे एक नई सीरीज शुरू होने वाली है, स्नैपड्रैगन 40 प्लस वर्सेस ऑल डिमेंसिटी प्रोसेसर्स। यहाँ पे अगर आपको भी डिमेंसिटी वर्सेस स्नैपड्रैगन 40 प्लस देखना है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर और आपके भी दिमाग में कोई भी प्रोसेसर का कंपेरिजन चल रहा है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे इस प्रोसेसर का नाम है स्नैपड्रैगन 40 प्लस वर्सेस डिमेंसिटी 700। यहाँ पे अनाउंस डेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 40 प्लस अनाउंस हुआ था अक्टूबर 2021 में, वहीं डिमेंसिटी अनाउंस हुआ था नवंबर 2020 में। ऐसा और कंपेरिजन को जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ना तो आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो आप लोग लाइक करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। करने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पे इसमें आपको सीपीयू, ग्राफिक्स, मेमोरी, कैमरा, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, गेमिंग रिव्यू एंड लास्ट में बेंचमार्क देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर के साथ, दोनों प्रोसेसर जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं। यहाँ पे स्नैपड्रैगन में आपको पहले 2 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक 460 गोल्ड कॉर्टेक्स A76 देखने को मिलेंगे एंड 6 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक 460 सिल्वर कॉर्टेक्स A55 देखने को मिलेंगे। वहीं डिमेंसिटी में यहाँ पे पहले 2 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक कॉर्टेक्स A76 एंड 6 कोर 2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक कॉर्टेक्स A55 देखने को मिलेंगे। सीपीयू फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर में 2200 मेगाहर्ट्ज़ की सीपीयू फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी एंड सीपीयू फैब्रिकेशन में यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर जो है लगभग इक्विवेलेंट देखने को मिलेंगे। 480 प्लस जो है 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेसर बना है एंड डिमेंसिटी 7 नैनोमीटर पे। ग्राफिक्स पे जीपीयू नेम पे स्नैपड्रैगन के जीपीयू का नाम है एड्रेनो 619, आर्किटेक्चर है एड्रेनो 600। वहीं डिमेंसिटी के जीपीयू का नाम है माली G57 MT2 एंड जीपीयू आर्किटेक्चर है वॉलहॉल। नेक्स्ट जीपी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 480 प्लस की जीपी फ्रीक्वेंसी है 650 मेगाहर्ट्ज़ की एंड डिमेंसिटी की है 950 मेगाहर्ट्ज़ की। फ्लोटिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन की जो है फ्लोटिंग पॉइंट्स वो है 490 गीगाफ्लॉप्स की एंड डिमेंसिटी की है 250 गीगाफ्लॉप्स की। रैम टाइप पे, यहाँ पे रैम टाइप में दोनों प्रोसेसर जो है LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है 2133 मेगाहर्ट्ज़ की। स्टोरेज टाइप की बात की जाए तो 480 प्लस में आपको EMC 5.1 के साथ साथ UFS 2.1 की इक्विवेलेंट स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा, वहीं डिमेंसिटी में आपको UFS 2.2 का। वीडियो कैप्चर एंड वीडियो प्लेबैक पे स्नैपड्रैगन में आपको जो है 1K के साथ 60fps का वीडियो कैप्चर करने को देखने को मिलेगा एंड डिमेंसिटी में 2K 30fps। प्लेबैक में भी सेम है, स्नैपड्रैगन के साथ 1K 60fps एंड डिमेंसिटी में 2K 30fps। मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन में आपको 2520x1080 पिक्सल्स का डिस्प्ले सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड डिमेंसिटी में भी सेम 2520x1080 पिक्सल्स का डिस्प्ले सपोर्ट देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी में दोनों प्रोसेसर आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे एक मतलब स्टार्टिंग के बजट फोन में। एंड यहाँ पे बात करें तो LTE में तो यहाँ पे दोनों प्रोसेसर काफ़ी बेस्ट LTE आपको प्रोवाइड कर पाएंगे इस प्राइस रेंज में। स्नैपड्रैगन में आपको LTE Cat 15 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वहीं डिमेंसिटी में LTE Cat 18 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ की बात की जाए तो दोनों में ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। डाउनलोड स्पीड की बात की जाए तो LTE Cat 18 डिमेंसिटी के पास है तो यहाँ पे इसके पास दोनों में बेनिफिट्स होंगे। डाउनलोड स्पीड में आपको डिमेंसिटी बेटर देखने को मिलेगा, इसमें इसकी स्पीड है 1200 Mbps की एंड स्नैपड्रैगन की है 800 Mbps की। अपलोड स्पीड में भी डिमेंसिटी बेटर है, इसकी स्पीड है 211 Mbps की, स्नैपड्रैगन की है 210। अब आते हैं हमने गेमिंग पे, 480 प्लस आपको देखने को मिलेगा मोटरोला G51 में एंड डिमेंसिटी देखने को मिलेगा पोको M3 प्रो पे। पबजी मोबाइल के साथ स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम फ्रेम रेट दोनों में सेम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ग्राफिक्स भी दोनों में सेम है HDI HDI। COD मोबाइल में बात करें तो दोनों में ही मैक्सिमम फ्रेम रेट सेम है 40K एंड यहाँ पे सपोर्ट भी जो है फ्रेम रेट का सेम रहेगा हाई, लेकिन यहाँ पे ग्राफिक्स अलग अलग देखने को मिलेगी। स्नैपड्रैगन गेम ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है तो यहाँ पे इसमें वेरी हाई का सपोर्ट देखने को मिलेगा जबकि डिमेंसिटी में मीडियम का। रिव्यू में बात की जाए तो सीपीयू परफॉर्मेंस स्कोर में स्नैपड्रैगन स्कोर करता है 41 एंड डिमेंसिटी 40। गेमिंग में दोनों प्रोसेसर सेम स्कोर करते हैं। दूसरे रिव्यू पे बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन स्कोर करता है 74 वहीं डिमेंसिटी 76। नेक्स्ट अंतुतु की बात की जाए तो अंतुतु में 480 प्लस स्कोर करता है 3,01,409 एंड डिमेंसिटी स्कोर करता है 3,34,988। लास्ट रिव्यू पे गीक बेंच, इसमें सबसे पहले सिंगल कोर की बात की जाए तो 480 प्लस का स्कोर है 544 एंड डिमेंसिटी का स्कोर है 561। वहीं मल्टी कोर की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन स्कोर करता है 1657 एंड डिमेंसिटी का स्कोर है 1729। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करना भूलिएगा नहीं।